गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल जय सुपरकौर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आज दोस्तों मैं आपके साथ समर स्किन केयर रूटीन शेयर करने जा रही हूं, विच इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल और बहुत ही ज्यादा जेन्युइन है। लाइक गर्मियों में पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, पसीना बहुत आता है, स्किन डल हो जाती है, टैनिंग होती है, और सबसे ज्यादा जो पिगमेंटेशन मेलाज्मा, जो तिल वगैरह आने की प्रॉब्लम होती है ना, दाने भी आते हैं, वो सबसे ज्यादा गर्मियों में ही होती है। तो ये एक नॉर्मल स्किन के रूटीन नहीं है कि जिससे बस आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है, लेकिन एक करेक्टिव, एक ट्रीटमेंट स्किन केयर रूटीन है जो सारे ही स्किन टाइप्स वाले यूज कर सकते हैं। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से है, बहुत इजी है, ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च होने। तो मैं सारा ये सब पूरा वीडियो डिटेल में देखिए शुरू से एंड तक। तो अभी ज्यादा बात नहीं करता, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। बहुत ही बेसिक और ट्राइड एंड टेस्टेड स्टेप्स पहले बताऊंगी आपको। तीन स्टेप्स होते हैं, क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग, लेकिन साथ में एक दो एडिशनल स्टेप्स बताऊंगी जो आपके चेहरे पे चार चांद लगा देंगे। एनीवे, द फर्स्ट थिंग, आप मॉर्निंग में जब उठते हो तो होता क्या है, आपने बहुत ज्यादा मेकअप नहीं लगाया, तो मॉर्निंग में हमारे स्किन पे इतना ज्यादा डर्ट नहीं होता। सिर्फ जो आपने रात की क्रीम या कुछ भी लगाया होता है उसकी वजह से थोड़ा सा डर्ट चिपक जाता है आपकी स्किन पे, या वो रेसिड्यू जो बच जाता है आपकी क्रीम का, वही होता है। तो आप मॉर्निंग में बहुत ही जेंटल क्लेंजर यूज करें, वाटर बेस्ड हो सकता है, एलोवेरा जेल वाला बेस्ड क्लेंजर हो सकता है। मैं बहुत ही नेचुरल क्लेंजर यूज करती हूँ, थोड़े से बादाम ले लीजिए, बादाम यार इतने महंगे आते नहीं, बादाम के साथ आप थोड़ा सा केसर ले लीजिए और ओट्स। ओट्स सबसे अच्छा क्लेंजर है सारी ही स्किन टाइप्स के लिए। इन तीनों को अच्छे से पीस के ये पाउडर बना लीजिए, उसके बाद आप जब भी मॉर्निंग में उठेंगे बिल्कुल आप महीन पाउडर बनाइएगा, क्योंकि एक्सफोलिएशन हमको नहीं करनी है। इसको आप थोड़े से पानी के साथ, गुलाब जल के साथ मिला के अपने फेस पे अच्छे से स्क्रब कर लीजिए, स्क्रब इन द सेंस इससे फेस वॉश कीजिए, तो आपका जितना डर्ट एंड ग्राइम है वो भी हट जाएगा। एंड इट इज वेरी वेरी माइल्ड, नेचुरल क्लेंजर की तरह काम करेगा ये, आप मॉर्निंग में और रात में भी एज अ क्लेंजर यूज कर सकते हैं। सेकंड स्टेप, टोनिंग से पहले हम एक्सफोलिएशन भी करेंगे, वो हम हफ्ते में तीन बार, मैं आपको सजेस्ट करूंगी। अगर एक्ने प्रोन स्किन है तो दो बार कीजिए, बट हफ्ते में ऑयली स्किन है तो तीन से चार बार आप माइल्ड एक्सफोलिएशन कर सकते हैं। एक्सफोलिएशन से क्या होता है, जो हमारी डेड स्किन सेल्स होते हैं वो उतरते जाते हैं, नहीं तो वो चिपके रहेंगे तो आपके जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाएंगे। फिर आप कहोगे यार ओपन पोर्स, हमारे पोर्स की विजिबिलिटी बहुत ज्यादा दिखती है, मेकअप अच्छा नहीं लगता, टिकता भी नहीं है मेकअप, तो हमारी स्किन जो है वो सांस नहीं ले पाती, ब्रीद नहीं कर पाती, तो हमें ये डेड स्किन सेल्स वगैरह हटाना बहुत जरूरी है। एक्सफोलिएशन का भी मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त पैक बता रही हूँ, इंस्टाग्राम jsuper.com पे अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते तो यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज जो चीजों के मैं प्रोडक्ट रिव्यूज या अपने DIYs वहां पर भी छोटे छोटे वीडियोस शेयर करती हूँ। खैर, फिलहाल के लिए गर्मियों के लिए सबसे अच्छा एक्सफोलिएशन बता रही हूँ, जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, विटामिन सी है, स्किन ब्राइटनिंग एजेंट्स है, नेचुरल ग्लूटाथायोन है, इतनी सारी चीजें हैं, है ना। तो आप यहां पर देख सकते हैं आपने क्या करना है, स्ट्रॉबेरी लेनी है। अब स्ट्रॉबेरी आराम से मिल जाएगी, अगर आपको नहीं मिलती है स्ट्रॉबेरी तो यू कैन यूज अ टमेटो, यू कैन यूज, आप ऑरेंज यूज कर सकते हो, टमाटर यूज कर सकते हो, खीरा भी यूज कर सकते हो, आलू भी यूज कर सकते हो, मैंने बहुत सारी चीजें बता दी, बट स्ट्रॉबेरी इज द बेस्ट 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 ऑप्शन, ठीक है। आप ड्राइड स्ट्रॉबेरी भी ले सकते हो, ऑनलाइन मिल जाती है। तो आपको स्ट्रॉबेरी और ब्राउन शुगर को मिक्स करना, यहां पर देखेंगे मैंने स्ट्रॉबेरी शुगर मिक्स करके एक्सफोलिएशन कर रही हूं। इसमें AHAs और ये सारी चीजें ना, ग्लाइकोलिक एसिड जैसे कि मैंने बताया, ये आपकी डेड स्किन लेयर को हटाएंगे। जो मार्केट से आप केमिकल पीलिंग कराते हो ना, AHA वगैरह, वो महंगी वाली, वो आपको कराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा, इसका डिटेल में आप इंस्टाग्राम jsuper.com पे देखिए, बट मैं यहां पर आपको बता रही हूं इसको अच्छे से करेंगे। जब आप, अब आप देखिए, मैं जब इसको फेस को वॉश करके आऊंगी तो आप इंस्टेंट ब्राइटनिंग ग्लो और आपकी स्किन इतनी स्मूथ फील होगी ना, तो डेफिनेटली आई वुड से एक्सफोलिएशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। एंड यस, नहीं मिलता अगर ये फिर भी आपको स्ट्रॉबेरी ही चाहिए तो उसका पूरे वीडियो में बने रहिए, मैं एक बहुत ही ऑसम चीज आगे बताऊंगी। नेक्स्ट स्टेप टोनिंग है, बट क्योंकि ये ट्रीटमेंट स्किन के रूटीन है तो हमें अपनी स्किन को बहुत अच्छे विटामिंस, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने हैं। अब देखो, क्लेंजर हमने कितना, आधा मिनट, एक मिनट करा, तो हमें अपनी स्किन पे कुछ बैठाने के लिए मास्किंग करनी है, और गर्मियों में सबसे अच्छे क्ले बेस्ड मास्क होते हैं। क्ले में आप मुल्तानी मिट्टी, काओलिन क्ले होती है, बेंटोनाइट क्ले होती है, बहुत सारी कैलामाइन क्ले, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे, इनमें क्या होता है, देखो एक्सफोलिएशन हमने कर ली, जो स्क्रबिंग जिसको बोलते हैं, वो हमारे अपर सुपरफिशियल लेवल्स लेयर से डेड स्किन सेल्स वगैरह हटाएगी, लेकिन हमें क्योंकि अपनी स्किन को ट्रीट करना है ताकि पिगमेंटेशन, तिल, मस्से और मेलाज्मा, अंदर दाने अगर बनते रहेंगे तो उससे ब्लैक हेड्स बन जाएंगे, वाइट हेड्स बन जाएंगे, जिद्दी दानों के निशान पड़ जाएंगे, पोर्स अगर खुले रह गए तो,
तो हमें डीप क्लेंजिंग ऑफ पोर्स करनी है, इनर लेयर्स को भी साफ करना है जो कि एक्सफोलिएशन से नहीं होगा। उसके लिए मैं यहाँ पर मास्क यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो आप मास्क कोई भी ले सकते हो, आप घर पे हल्दी बेसन, मैंने बहुत सारे DIY सिखा रखे हैं, बट मैं चाहती हूँ कि इस मास्किंग टाइम में, क्योंकि मैंने 10-15 मिनट्स इस मास्क को रखना है, तो क्यों ना मैं अपनी स्किन को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स दे पाऊँ। मैं यूज कर रही हूँ मामा अर्थ का उपटन फेस मास्क, इस तरह से ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, एंड दिस इज माई सेकेंड टब, यू गाइस कैन सी, एंड या आई जस्ट लव इट, आई जेन्युइनली लव इट। मैंने इसका फुल रिव्यू अपना ऑलरेडी चैनल पे शेयर कर रखा है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बार में दे दूंगी। नाउ यू विल से, अगर आप लोग दोबारा मेरा ये वीडियो, नए व्यूअर्स देख रहे हैं, तो आप पूछेंगे वाई दिस मास्क। देखिए ये उपटन मास्क के नाम पे सिर्फ बेसन हल्दी वगैरह मिक्स करके नहीं है कि आपने घर पे बेसन हल्दी हल्दी और दही मिक्स करी, नहीं, इसमें काफी सारी क्लेज हैं, जेन्युइनली लाइक बेंटनाइट क्ले, काओलिन क्ले, काओलिन क्ले इज चाइना क्ले, यू गाइज नो, विच इज लाइक वेरी गुड फॉर स्किन ब्राइट और वाइटनिंग में काओलिन क्ले बहुत। आप महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लोगे ना, कुछ भी ट्रीटमेंट क्रीम्स और इतनी महंगी वाइटनिंग ब्राइटनिंग क्रीम्स लोगे, उसमें काओलिन क्ले जरूर होती है। एंड देन कुछ मास्क होते हैं ना, क्ले बेस्ड मास्क कहते हैं, ड्राइंग हो जाते हैं, तो ये ड्राइंग नहीं है, आपकी स्किन को बिल्कुल भी रूखा नहीं करेगा, बिकॉज इसमें एप्रिकॉट ऑयल है, एंड एप्रिकॉट ऑयल इज अमेजिंग फॉर द स्किन, इट इज एग्जैक्टली लाइक आमंड ऑयल। साथ में इसमें मेरा बहुत सुपर फेवरेट इंग्रेडिएंट है हल्दी, आपके दाग धब्बे हैं उसको क्लीन कर, उसको ठीक करना। एंड देन गर्मियों में आपने नोटिस करी है, रेडनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, स्किन पे रैशेस पड़ जाते हैं, जैसे जिसको रोजेशिया भी कई बार बोलते हैं, एक्जीमा होता है, सोराइसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हल्दी एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक काम करती है इसमें। एंड साथ में केसर है जिसमें नेचुरल ग्लूटाथायोन होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन सी है, विटामिन ए है, जो आपकी स्किन को लाइक कोलेजन बूस्ट तो करता ही है, लेकिन स्किन को ब्राइटन करता है, टैन रिमूव भी करता है। तो हल्दी, केसर, ये सारी चीजें मिलती हैं। गर्मियों में क्यूकम्बर बहुत अच्छा होता है, क्यूकम्बर खीरा भी है इसमें, खीरे का एक्सट्रैक्ट जो कि पोर्स को टाइटन करता है, क्ले, ये सारी चीजें मिलकर आपकी स्किन को टाइटन करेंगे, टैन रिमूव करेंगे। और यहां पर आप डेमो में देख रहे हैं, मैंने मुश्किल से 8-10 मिनट्स लगाया, अब आप रिजल्ट देख सकते हो। मैं थोड़ा सा पहले टिश्यू से उतार के आपको दिखा रही हूं जानकर वाइप से, ताकि आपको ग्लो दिखे नेचुरल कैमरे में, नो आपको प्रूफ पूरा दिखना चाहिए साथ, क्योंकि आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस मामा अर्थ उपटन फेस मास्क। एंड या इसको जब मैं उतार दूंगी, अब मैं फेस वॉश करके आ रही हूं, स्किन बहुत ही स्मूथ फील हो रही है, बिकॉज इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, और एक ब्राइटनिंग देख सकते हैं, आप हफ्ते में 2 बार भी यूज करते हो तो टैनिंग, पिगमेंटेशन, मैं आपको दावा कर रही हूं, आपको पिगमेंटेशन अगर नहीं है तो कभी भी नहीं होगा, और अगर आपको पिगमेंटेशन है तो धीरे धीरे इसके इस्तेमाल से आपके पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, ब्लैकहेड्स वगैरह वो सब ठीक होते जाएंगे, ब्लेमिशेस, डार्क स्पॉट्स भी ठीक होते जाएंगे। सो डेफिनेटली आई वुड से मस्ट ट्राई। एंड देन यू गाइज नो मामा अर्थ इज अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड, लाइक हमें ऐसी इंडियन ब्रांड्स को जरूर सपोर्ट करना चाहिए। पेटा सर्टिफाइड, नो एनिमल टेस्टिंग, थैलेट्स फ्री, हार्श केमिकल्स फ्री, सिलिकॉन्स फ्री, एंड पैराबिन फ्री, विच इज लाइक अमेजिंग। तो आप नीचे, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बार में दे रही हूँ, अगर आप इसको डायरेक्टली मामा अर्थ की वेबसाइट से लेते हैं mamaearth.in, तो आप मेरा कूपन कोड जरूर यूज करें, विल गेट 20% ऑफ, मीन सीधा 400 रुपए का। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का केसर लेते हो ना 1 ग्राम, वही आपका 400-500 रुपए का आता है, जो अच्छी धागे वाला केसर नहीं कह रही, नकली असली केसर बोल रही हूँ। तो आप इसका एक इंग्रेडिएंट 400-500 रुपए का खरीदने की बजाय, ये लोडेड है, आराम से 2-3 महीने चल जाएगा। सो आपको रोज जो करना है वो है टोनर यूज करना। ये मेरे DIY टोनर है, ये मेरा क्यूकम्बर वाला ग्रीन टी टोनर है एक्ने के लिए, ये मेरा एलोवेरा वाला, और बहुत सारे रोज वाटर टोनर्स मैंने शेयर कर रखे हैं। तो ये बस आपको स्प्रे कर लेना है अपने फेस पे फॉर श्योर टोनर। और एक और टिप साथ में दूंगी, टोनर्स को हमेशा गर्मियों में फ्रिज में रखें, ठंडे टोनर्स को जब आप फेस पे यूज करेंगे तो आपके पोर्स शट रहेंगे, आपका मेकअप एप्लीकेशन फाउंडेशन ज्यादा अच्छी स्मूथली लगेगी। आज मैंने क्योंकि ये उपटन फेस मास्क, ये सारी चीजें करी हैं, तो मेरी स्किन बहुत बेबी सॉफ्ट और ग्लो भी बहुत कर रही है। तो जब आप ये यूज करते हो ना, इंस्टेंटली आपका फेस रिफ्रेश हो जाता है, और खुशबू बहुत अच्छी है, तो एक फेशियल मिस्ट, एक रिफ्रेशिंग मिस्ट की तरह भी काम करते हैं ये। अब लास्ट स्टेप है मॉइस्चराइजर का। आप मॉइस्चराइजर कोई भी लगाइए, चाहे DIY वाला या मार्केट वाला। बेसिकली मॉइस्चराइजर में क्या होता है, इट्स एन इमल्सिफिकेशन ऑफ ऑयल्स एंड वैक्सेस। आप अच्छे अच्छे ऑयल्स अपने उसको क्रीम फॉर्म में बनाकर लगाते हो, लेकिन मैं कहूंगी आप डू नॉट केक अप योर फेस। कोई भी लाइट मॉइस्चराइजर यूज करें, साथ में आप कोशिश करें एक सीरम यूज करें, या फिर मॉइस्चराइजर जिसमें विटामिन सी हो या हाइलुरोनिक एसिड हो। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अलग से 5-6 लेयर्स नहीं लगा रहे, आप
के मॉइस्चराइजर के थ्रू। तो इस तरह से आप विटामिन सी, इस तरह की चीजें, हाइलुरोनिक एसिड, ये सारी चीजें अपनी स्किन को जरूर दें बूस्टअप करने के लिए। एक कहते हैं ना उसको, आपके पिगमेंटेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स कभी होंगी नहीं, ट्रस्ट मी, गर्मी में। फॉर टुडेज वीडियो आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपने क्या क्या करना है, लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल जे सुपरकॉर फॉर मोर सच वीडियोस। सब्सक्राइब के साथ बेल बटन भी है, उसको जरूर क्लिक करना, नहीं तो आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलती। लव यू ऑल।